हे गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गृह मंत्रालय यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की द्वारा नई वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। सो फिलहाल अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन किया है। ये फॉर्म आपको 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। फॉर्म के डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लागू की गई हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन की गई हैं कि फॉर्म को सबमिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें देना पड़ेगा। इसे आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अब आपको नीचे आ जानी है। यहाँ पे फोटो की साइज और डायमेंशन बताई गई हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलेगा अप्लाई नाउ का, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने की जो ड्यूरिंग टाइम है यहाँ पे मेंशन की गई है कि आप इतने समय के अंदर फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यक्तिगत डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, इसमें कैंडिडेट का नाम लिखना है, इसमें पिता का नाम लिखना है, इसमें माता का नाम लिखना है और आपकी रिलीजन क्या है यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है उसे आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। व्यक्तिगत डिटेल्स को ऐड करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपने राष्ट्रीयता को सेलेक्ट करनी है। यदि आप इंडिया के निवासी हैं तो यहाँ ऊपर ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अब आपको नीचे आ जानी है। यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी और सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। ओबीसी कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे कास्ट के सर्टिफिकेट की डिटेल्स को ऐड करनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट किसके द्वारा ऑथोराइज की गई है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुई है इसका डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट की डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट की संख्या यानी कि नंबर लिखनी है। इसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। यहाँ पे वैलिड अप टू यानी कि कब तक आपकी ये सर्टिफिकेट चलेगी वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब आपको नीचे आ जानी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या आप सर्विसमैन हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है, क्या आप 2002 के गुजरात दंगों के बच्चे या आश्रित हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, क्या आप 1984 के सिख दंगों के बच्चे या आश्रित हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है, क्या आप विभागीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने 3 साल की नियमित और निरंतर सेवाएं प्रदान की हैं, यहाँ पे आपको यस करना है या नो करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी हैं यानी कि आप एक स्पोर्टमैन खिलाड़ी हैं, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और स्पोर्ट की सर्टिफिकेट आप ऐड करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आ जानी है। यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप कितने साल और कितने मंथ और कितने दिन के हो जाएंगे नीचे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड करनी है। यहाँ पे अपना मेल आईडी लिखना है, वही मेल आईडी दोबारा से लिखेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखनी है, वही मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पे आपको लिख लेना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिखने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपने लॉगिन डिटेल्स को ऐड करनी है। अपने मन मुताबिक एक नया पासवर्ड बनाएंगे जो कि आपको याद रहे। ऊपर जो आप पासवर्ड लिखेंगे वही सेम पासवर्ड नीचे भी आपको लिखना है। इसके बाद कैप्चा आपको मिलेगा, इस बॉक्स में लिखना है। अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद आप एक बार इसे जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू का आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा, तो आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। जब आप सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलेगा चेकबॉक्स की तरह। यहाँ पे ऊपर कहा गया है कि येस आई एम वेरीफाई यानी कि आप वेरीफाई कर लिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप वेरीफाई नहीं किए हैं और आप चेंज करना चाहते तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप चेंज करेंगे। सब कुछ सही है तो आप यहाँ ऊपर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको आपका मेल आईडी और पासवर्ड सेंड किया गया है और मोबाइल नंबर पर भी। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको मेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखनी है और जो नया पासवर्ड आप बनाए हैं वो पासवर्ड आप लिखेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे सो रहा है इस बॉक्स में लिखेंगे। अपने सभी डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगा लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नॉट एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने मेल आईडी में पहले जाना है। अपने मेल आईडी में जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ ऊपर आपको एक मैसेज मिलेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम से ये मैसेज आया रहेगा। आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिलेगा, इस बॉक्स में लिखना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि योर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको लॉगिन करने में कोई समस्या नहीं होगा और एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पे। इसके बाद फिर से आपको वही प्रोसेस अपनाना है लॉगिन करने के लिए। इस बार आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी मेल आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से शो होगा। अब आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपकी शॉर्ट डिटेल्स दिखाया जाएगा। नीचे आपको ये सारे ऑप्शंस को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। अपने एड्रेस को लिखने के बाद नीचे आपको आ जाना है। यदि आप सेम पते पे रहेंगे तो यहाँ चेकबॉक्स पे आपको सिंपल क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही नीचे आपका फुल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है और फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर लेनी है। ध्यान दीजिए, अगर आप दूसरे पते पर रहेंगे तो आप चेकबॉक्स को हटा के आप जो पते पर रहेंगे उस पते को आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करनी है। यहाँ पे आपको अपने गेट स्कोर कार्ड को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीम क्या है यानी कि सब्जेक्ट क्या है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपने गेट की डिटेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद योग्यता प्रकार में सबसे पहले आपको अपने हाई स्कूल को सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे डिग्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप किस तारीख से पास हुए हैं, कब आपकी फाइनल सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मार्क टाइप में आपको इस पर क्लिक करना है। यदि CGPA है तो CGPA ग्रेड है या मार्क है, जो भी है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कितना मार्क पाए हैं वो आप इसमें लिखेंगे। टोटल कितने नंबर का होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। जिस प्रकार से आपने हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन को ऐड किया है सेम इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी क्वालिफिकेशन को आप एक एक करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो नीचे ऐड होते जाएगा। अपने सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले किया जाएगा जहाँ पे आपको अपने अदर डिटेल्स को ऐड करनी है। यहाँ पे इंटरव्यू सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स को ऐड करेंगे। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अगला जो ऑप्शन मिलेगा क्या MHA या UPSC या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा या चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट में आपको कभी डाला गया है, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो क्लिक कर लीजिए। इसके बाद कैंडिडेट का एक आईडी प्रूफ देना है। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उस आईडी प्रूफ की यहाँ पे सीरियल नंबर आपको ऐड करनी है। आईडी प्रूफ की नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगा सबमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे जहाँ पे आपको अपने फोटो को ऐड करनी है। फोटो की यहाँ पे जो साइज मांगी गई है 20 से 50 KB की साइज मांगी गई है और 10 से 50 KB की जो साइज मांगी गई है सिग्नेचर की। ओनली JPG फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। यहाँ पे डायमेंशन और हाइट विड्थ यहाँ पे मेंशन की गई है।
फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। यहाँ पे एक कलर आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जिसमें आपका फेस जो है वो फ्रंट साइज में होनी चाहिए। यहाँ चूज फाइल के बटन पे क्लिक करते ही जहाँ पे आप अपना फोटो रखे हैं वहाँ पे जाना है, अपने फोटो को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। सेम इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेनी है। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आने के बाद अब आपको एक बटन मिलेगा अपलोड का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रीवियस है आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के ऑप्शन में देख सकते हैं फ़ी एक्सटेंडेड यानी कि फ़ी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का फ़ी दिखाया जाएगा। जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे तब आपका प्रीवियस की पेज ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया जाएगा। आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, इन सभी पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे बटन मिलेगा क्लिक हियर टू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। फॉर्म को सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एसएमएस के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा कि आपकी ये फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो चुकी है। यहाँ से आप इस फॉर्म की प्रिंट करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे बटन मिलेगा प्रिंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। चाहे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, इनकेस भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे चेक करें यानी कि वेरीफाई कर सकें और उसके बाद एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकें। ओके, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को कंप्लीट अप्लाई करेंगे। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि आप इस फॉर्म को किस प्रकार से सबमिट करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।